इंतजार कर रही है, आ जा जल्दी लेने, मैं खड़ी हूँ बाहर। राखी जी कैसे हो आप? फाइन, एकदम सितारे। आदिल भाई कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस आपकी दुआ है। राखी मैम, बिग बॉस देख रहे हो कि नहीं आप? हाँ देख रही हूँ, बिग बॉस तो मेरा फेवरेट शो है, मैं देख। तो आप किसको सपोर्ट करना चाहोगे मैम? तो अभी सपोर्ट जैसा किसी को भी नहीं है। मैं भी आप किसको इतना आपका तो कोई फेवरेट कौन है? मैं तो बिग बॉस देखती हूँ। अच्छा, अब्दुल रोजी करके है मैम। अब्दुल छोटा सा वो है ना? हाँ, अब्दुल इज़ वेरी अमेजिंग, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप दोनों जा रहे हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री, ऐसी कोई बात नहीं है फिलहाल, हाँ है ना? थैंक यू। हाँ जी, कुछ पूछ रहे थे आप लोग, और कुछ पूछना है? और उसके अंदर एक नया बंदा भी आया एमसी स्टैंड, आप जानते हो आप? एक जगह खड़ा करके पूछ लेते हैं। हाँ मैम, रुक जाओ, बड़ा कर लो ना यहाँ पे, आप पूछ लो। हाँ यहाँ पे, यहाँ पे वो एमसी स्टैंड बंदा आया। हाँ राखी मैम, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, पहले फोन बंद करो, एक सेकंड बंद करो जी। क्या कहना चाहोगे, बिग बॉस कितना आप देख रहे हैं? पहले अभी हम बता दें, हम लोग बैंगलोर गए थे फिल्म फेयर के लिए। हाँ, काफ़ी कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बैंगलोर साउथ में फिल्म फेयर के लिए गए थे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। साउथ पीपल आर वेरी गुड, वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी रिस्पेक्टिव। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कैसा रहा था? बहुत अच्छा था, ऑफकोर्स साउथ है ना, मैं तो साउथ का ही, बहुत इज्जत दी है। आदिल जी साउथ के हैं, तो आदिल जी साउथ के हैं, और आदिल जी के लिए ही गई थी मैं। आदिल भाई आपके ये आदिल जी के हैं, इज्जत देना कोई गुनाह थोड़ी ना। आदिल जी सही बात है। कौन सी आपकी फेवरेट एक्टर है साउथ के? हेलो, मेरा है रजनीकांत। और हीरोइन में मैम? बहुत सारी हीरोइन है, सब कुछ। रश्मिका वंदना जैसे, आप सभी, रश्मिका, पूजा हेगड़े, साई पल्लवी सभी। हाँ ओके, एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा है बिग बॉस को लेके, राखी जी साजिद खान को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, तो क्या कहना चाहोगे? मी टू उनके पर एलिगेशन लगाया 4 साल पहले। देखो फ्रेंकली स्पीकिंग, साजिद खान भाई जो है 4 साल अपनी जो जिंदगी है सजा वो भुगत चुका है, क्यों पहले कोई आवाज़ नहीं उठाया? बिग बॉस में गया, बिग बॉस में वो हाईलाइट हो रहा है, इसलिए बहती गंगा में लोग हाथ धोना चाहते हैं। देखिए मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि वो गुनहगार है या बेगुनाह है, मुझे नहीं पता है, सही है, 4 साल उसने काम नहीं किया, तो उसको उसकी अगर कोई इंसान सजा भी भुगतता है तो वो कैदी हो जाता है, उसको जेल में डाल देते, उसकी सज़ा भुगत के जब बाहर आ जाता है तो वो गुनहगार नहीं रहता। तो आई डोंट थिंक सो कि अभी साजिद खान गुनहगार है, क्योंकि 4 साल की सज़ा वो भुगत चुका है, किसी ने उसके साथ काम नहीं किया, ना कोई वो फिल्म बनाई ना कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि लोग, वो बिग बॉस में गया है इसलिए उसके पीछे हाथ धो के नहाथ धो के पीछे पड़े हैं, पब्लिसिटी स्टंट के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए। ऐसे लोगों को चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, शेम ऑन देम कि एक बंदा 4 साल की जेल काट के भी घर में रहकर भी किसी ने काम नहीं किया, तो वो अपनी नई शुरुआत करने जा रहा है बिग बॉस में, तो उसको अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने देनी चाहिए। सुबह का भूला शाम को आता है, माफ़ी मांगता है, तो उसको और मरने के कगार पर उसको नफरत करके उसको दरबदर नहीं करना चाहिए। ये इतने ही समाज के ठेकेदार है, तो ये जो रेपिस्ट है वो खुलेआम घूम रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों का रेप करते हैं, चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, ये समाज के ठेकेदारों को बोलो कि जाके उनको पकड़े, एक बंदे को ना पकड़े, है ना? ये जानबूझ के पब्लिसिटी स्टंट करना चाहते हैं। साजिद खान मेरा कोई नहीं लगता, बट एक इंसानियत के नाते उस बंदा आत्महत्या कर ले, उसके पहले उसको जिंदगी जी लेने दो यार, वरना वो बंदा आत्महत्या कर लेगा। अगर देश की तरफ से उसको इतनी नफरत मिलेगी, बंदा आत्महत्या कर लेगा यार,
अगर आप लोग सब लोग मिलके उसको इतनी नफरत करोगे तो उसको जीने दो प्लीज, आप लोग उसको जीने दो। 4 साल वो साजिद खान 4 साल जो है वो सजा भुगत चुका है, किसी ने उसके साथ काम नहीं किया है, अब वो अपनी जिंदगी को आजमाने के लिए बिग बॉस गया है और बिग बॉस ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों को ही लेते हैं। अगर मैं बिग बॉस में गई तो मैं साजिद खान से सचमुच सच सच सवाल पूछूंगी, क्या उसने सचमुच ऐसा किया है या नहीं कि उस पर सिर्फ इल्जाम लगाए गए हैं। प्लीज आप उसे बख्श दो, उसको नई जिंदगी जीने दो, वरना एक बंदा सबके प्रेशर में आके आत्महत्या कर लेगा। यू अंडरस्टैंड, आप समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। मुझे एक बंदे के लिए तकलीफ हो रही है, वो मेरा न भाई लगता है न कुछ लगता है, न मैं उनके साथ कोई काम किया है, लेकिन सब अपनी गंदी पब्लिसिटी पाने के लिए उसका नाम ले रहे हैं। अभी सब 4 साल से सो रहे थे क्या ये लोग? ये लोग सो रहे थे 4 साल? गलत बात है, बहुत गलत बात है ये। देखो एक बात बताना चाहता हूँ साजिद भाई, आई डोंट नो हिम पर्सनली, अगर उन्होंने कुछ गलत किया है 4 साल पहले या 5 साल पहले, उनका जाती मामला है, लोग आवाज़ उठा सकते थे उस टाइम में, पुलिस स्टेशन जा सकते थे, कार्रवाई करवा सकते थे। आज 4 साल के बाद जब वो एक रियलिटी शो में है, रियलिटी शो में कंटेस्टेंट की तरह देखो उनके, क्यों वो नई जिंदगी जीना चाह रहा है? अरे अगर यहाँ पे कोर्ट कचहरी नहीं है क्या हमारे देश में? कोई कानून नहीं है? आत्महत्या तो नहीं करेंगे, बहुत स्ट्रांग इंसान है वो, ऐसा नहीं है। नहीं, अगर देश का एक 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 बच्चा उसको तू तू करेगा, ऐसी लड़कियाँ या कोई भी आके पता नहीं सही इल्जाम झूठा इल्जाम लगाएगी तो एक बंदा नहीं जी पाएगा, क्या करेगा बताइए ना आप? और कोर्ट कचहरी है ना हमारे देश में, दीदी आप बताइए, कोर्ट कचहरी नहीं हमारे देश में? और गलत सही, अगर किसी ने गलत किया है, अगर किसी ने गलत किया तो वो कोर्ट कचहरी में जाए ना, गलत है। और ये मेरे आंसू सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो रियली एक बंदे को जीने नहीं देना चाह रहे, वो बेचारा जाके अपना बिग बॉस में अपनी तकदीर आजमा रहा है, और ये यहाँ पे समाज के ठेकेदार बाहर निकले हैं समाज को सुधारने के लिए। अरे पहले खुद तो सुधरो, इतने रेपिस घूम रहे हैं देश में, इतने बलात्कारी घूम रहे हैं देश में, इतने चोर घूम रहे हैं देश में, इतने जो काला धन छुपा के बैठे अभी तक नहीं आए, झूठी झूठी कस्में खा के बैठे हैं, इतने घूम रहे हैं, उनको जाओ पकड़ के लाओ। एक एक इंसान के पीछे सब हाथों के पीछे पड़े हैं बगैर सबूत के, किसी ने कल उठ के बोल दिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो उसको शो से निकालना चाहते, कैसा न्याय है? प्लीज अलविदा। मेरी गाड़ी का अच्छा, तो फिर तुम मत आ, मत आ, तो फिर तुम मत आ, ये तो अभी घर पे है। हम लोग को ओला ओला कैसे लूँ? कहाँ पे? चलो नहीं नहीं नहीं, वो ड्राइवर आया ही नहीं है, कहाँ से लूँ टैक्सी? थैंक यू सो मच मैम। घर आखी जी देखना काउंटर पे।